हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद इनोवेशन बाय वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने बायोलॉजी स्टार्ट करी थी क्लास 11 की, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 जो है प्लांट किंगडम, उसको जो है अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हमने एल्गीज और ब्रायोफाइटस को अच्छे से समझा, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सबको हमने डायग्रामेटिकली पढ़ाया। इसी तरह से हम टेरिडोफाइट्स को भी, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम में, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स, उसको भी अच्छे से डायग्राम्स की हेल्प से और इमेजेस की हेल्प से इसमें आज हम समझेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेरिडोफाइट्स में किस टाइप के प्लांट्स जो है बेसिकली इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो हॉर्स टेल्स आते हैं, हॉर्स टेल्स अगर मैं जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा है, तो ये जो इमेज है वो हॉर्स टेल्स की है। तो टेरिडोफाइट्स में बेसिकली हॉस्टेल्स आते हैं और इसके साथ साथ आते हैं फर्न्स, जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा है। तो अगर आप इमेज देखते हो ना, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाता है ये कौन से प्लांट्स हैं और ये किस में आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में आते हैं हॉस्टेल्स और फंस। नेक्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स में चलते हैं, यूजेस देखते हैं कि जितनी भी मेडिसिन बनती हैं वो सब टेरिडोफाइट्स की बनती हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए कौन से प्लांट्स यूज़ करते हैं, तो दे टेरिडोफाइट्स यूज़ करते हैं, राइट। एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर्स ऑल्सो। इसके अलावा इसका बहुत अच्छा यूज़ है कि इसको ऑर्नामेंटल्स की तरह इसको ग्रो किया जाता है, क्योंकि देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, इसलिए इसको जो है इट्स ऑल्सो ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। नेक्स्ट चलते हैं इसके हैबिटेट्स पर। हैबिटेट्स जो है इसके कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पे सबसे ज़्यादा ये ग्रो होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिस्क्राइब करते हैं प्लांट बॉडी। जैसे हमने सबकी प्लांट बॉडी डिस्क्राइब करी थी, इसको भी हम इमेज के थ्रू समझेंगे। तो जैसा इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसकी प्लांट बॉडी को बोलते हैं स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट्स जो होते हैं, ये तीन तीन अलग अलग सब पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, रूट्स में होते हैं, स्टेम्स में होते हैं और लीव्स में होते हैं, जो ब्रायोफाइटास में नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइट्स में, कि टेरिडोफाइट्स में प्रॉपर रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, और इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं। तो यहां से आपको डिफरेंस भी आई होप क्लियर हो रहा होगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं लीव्स पर। इसकी जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल भी हो सकती हैं, जैसे कि स्मॉल लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिल्स, जैसे कि सेलिगनेला का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिल्स। एंड अगर लार्ज हम लीव्स की बात करें, जिसे बोला जाता है मैक्रोफिल्स, तो वो होती हैं फर्न्स में, राइट। जैसे इस इमेज में आपको शो हो रहा है, जो फर्न्स की जो लीव्स होती हैं वो मैक्रोफिल्स होती है। तो होप यहाँ से आपको अच्छे से जो है लीव्स का फंडा जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, कि जो इसकी लीव्स होती हैं, जैसा इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, जो लीव्स होती हैं उसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स, राइट। तो ये लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, जो आगे की तरफ निकली हुई होती हैं, ये स्पोरोफिल्स होती हैं। और ये जो स्पोरोफिल्स होती हैं, ये एक अलग से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है आगे की तरफ, जिसको बोलते हैं स्ट्रॉबेली एंड कॉर्न्स, राइट। तो बहुत अच्छे से हमने इमेज के थ्रू स्ट्रॉबेली और कॉर्न समझा और स्पोरोफिल समझा। एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे, जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये स्पोरेंजिया होता है इनके अंदर, और उन स्पोरेंजियम के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये स्पोर्स जो है आगे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो ये पूरी प्लांट बॉडी है, इसको हमने अच्छे से समझा टेरिडोफाइट्स की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्ट्रॉबेली समझ में, होप आपको आगे का जो पोर्शन होता है उसको स्ट्रॉबेली बोलते हैं। नेक्स्ट इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, कि किस टाइप से जो है इसमें रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स में होता है। सो बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स जो है मल्टी सेलुलर होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। सो इसको डायग्राम के थ्रू हम जो है फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, तो होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, वो प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइट्स। फ्लैजिला को हमने अच्छे से हमने एल्गी के चैप्टर्स में जो है अच्छे से समझा था। सो वहाँ पे अगर आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो ये एंथीरोजॉइट्स हैं, वो रिलीज होते हैं वाटर के अंदर, और ये आर्किगोनियम में जो एग होता है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके अंदर एग होता है, और उस एग के साथ ही एंथीरोजॉइट्स जो है फ्यूज हो जाते हैं, और उसके बाद एक न्यू डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसको बोलते हैं जायगॉट। ये सब चीज़ें हमने ब्रायोफाइटा
में भी पढ़ी थी, सेम बिल्कुल ऐसा ही हमने सेक्सुअल प्रोडक्शन ब्रायोफाइटास में भी अच्छे से देखा था, डायग्राम की हेल्प से हमने देखा था। सो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो यहाँ से जो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जायगोट जो है डिप्लॉयड होता है, इसके बाद जो जायगोट है वो प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हमने पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, राइट। जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, उसके ऊपर हमने पढ़ा था कि स्पोरेंजिया होते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया है ये मियोसिस प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन होता है, सेल डिवीजन होता है, और ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान में ये रखेंगे कि जो स्पोर्स हैं वो मियोसिस के थ्रू जो है प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे स्पोर्स जब जनरेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो एक अलग से गैमेटोफाइट बनता है, इस गैमेटोफाइट को बोलते हैं थैलस। क्योंकि जैसा हमने इमेज में भी देखा था, जो पटेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी थैलस लाइक बॉडी होती है, और आगे हम इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली प्रोथैलस जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, और इसको हम बोल सकते हैं कि थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट। नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जो स्पोरेंजिया होता है वो कहाँ पर होता है, वो लीव्स पर होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस पर होता है, जिसे स्पोरोफिल्स कहते हैं। स्पोरोफिल्स को हमने अच्छे से जो है विद हेल्प ऑफ इमेज हमने इसको डिस्कस कर लिया है, और ये जो स्पोरोफिल्स हैं वो आगे जाकर जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे स्ट्रॉबेली बोलते हैं या कोन्स बोलते हैं। सो अब यहाँ से आपको पूरा स्ट्रक्चर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेरिडोफाइट्स में होप क्लियर हो गया है, स्ट्रॉबेली भी क्लियर हो गए हैं, स्पोरोफिल्स क्लियर हो गए हैं। अगर कोई क्वेरी यहाँ पे आपको रह जाती है तो आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में देकर, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एक बार रिप्रोडक्शन साइकिल को हम इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में जो है इसका सेटअप जो है क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि गैमेटोफाइट जो प्रोथैलस था, जो क्रिएट हुआ था हमारा, जैसे इस दिख रहा है आपको, ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट के ऊपर जो अटैच होता है स्पोरोफाइट अटैच होता है। ये स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट से अटैच होता है, यहाँ से नरिशमेंट लेता है, ग्रो करता है, और उसके बाद जो है ये मैच्योर ग्रो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो मैच्योर ग्रो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉयड होता है, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी लीव्स होती हैं, और ये जो लीव्स पर स्पोर लीव्स पर अटैच होते हैं स्पोरेंजियम। जैसे इस लास्ट स्लाइड में भी हमने पढ़ा था, इसकी जो लीव्स होती हैं, जैसा इस इमेज में आपको दिख रहा है बड़ा करके शो हुआ है, तो इसकी लीव्स पर स्पोरेंजियम अटैच होते हैं। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा था, जो लीफ लाइक अपेंडेजेस हैं स्पोरोफिल्स, जिसे के बेसिकली कहते हैं, स्पोरोफाइट की बॉडी पर स्पोरोफिल्स होते हैं, और ये जो स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजियम अटैच होता है, और ये जो स्पोरेंजियम है वो मियोसिस प्रोसेस होता है सेल रिडक्शन का, और इस मियोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा इस इमेज में आपको शो हो रहा है। स्पोर्स जो है वो एयर करंट के थ्रू या फ्लाइज के थ्रू जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है या फिर वाटर में जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। ये जो स्पोर्स हैं वो यंग गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो यंग गैमेटोफाइट है फिर वो मैच्योर गैमेटोफाइट बनता है। ये जो मैच्योर गैमेटोफाइट है ये थैलस लाइक इसकी बॉडी होती है, और ये गैमेटोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेल गैमेट एंथेरिडियम को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेट आर्किगोनियम को प्रोड्यूस करता है। आर्किगोनियम में मैंने आपको बताया था, आर्किगोनियम के अंदर एग होता है, और एंथेरिडियम जो है एंथेरोजॉइट्स प्रोड्यूस करता है, राइट। सो ये होप पूरी साइकिल आपको क्लियर हो रही होगी। उसके बाद जो एंथेरोजॉइट्स और एग का फ्यूजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसके थ्रू मल्टी सेलुलर बॉडी डिप्लॉयड बॉडी जायगोट बनती है, और इस जायगोट से फिर दोबारे से गैमेटोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट की लीव्स पर स्पोरोफिल्स होते हैं, उस पर स्पोरेंजियम होता है। तो ये जो बेसिकली जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल जो है ऐसे ही कंटिन्यू होती रहती है, और जो प्लांट्स हैं वो अपना रिप्रोडक्शन साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। सो होप यहाँ से आपको अच्छे से डायग्राम के थ्रू भी क्लियर हो गया है। प्रोथैलस आपको समझ में आ गया है, थैलस लाइक इसकी बॉडी होती है इसलिए इसे प्रोथैलस बोलते हैं। सो होप यहाँ से आपको जो है पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं इसके डिविजन्स पर। जैसे हमने एल्गी के डिवीजन्स पढ़े थे, ब्रायोफाइटास के डिवीजन्स पढ़े थे, इसी तरह से जो है टेरिडोफाइट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। टेरिडोफाइट्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटास जो हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं वो होमोस्पोरस भी होते हैं और हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंस भी होप क्लियर होता जा रहा है। सो होमोस्पोरस को जैसे नेम से यहाँ पर शो हो रहा है, होमो मीन्स सेम एंड स्पोर्स मतलब स्पोर्स। तो
जिसमें एक ही तरीके के स्पोर्स होते हैं वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कहलाएंगे। हेट्रोस्पोरस जो है दो अलग अलग काइंड्स के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स, तो बेसिकली जो अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। दो अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो स्मॉल होते हैं एंड मेगा स्पोर्स जो लार्ज होते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है और मेगा मीन्स लार्ज होता है। तो यहाँ से आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसको एक वर्ड को अगर आप ब्रेक कर करके समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो टू टाइप्स के स्पोर्स हो गए, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स। जो इसमें अगर मैं माइक्रोस्पोर्स की बात करती हूँ, स्मॉल स्पोर्स की बात करती हूँ, तो वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा था एंथ्रीडियम होता है जो एंथीरोजॉइट्स प्रोड्यूस करता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइट्स प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से अगर हम मेगा स्पोर्स की बात करते हैं, लार्ज जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट्स आर्किगोनियम होता है और उसके अंदर एग होता है। सो होप ये सारी साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। स्पोर्स बेसिकली हेल्प करते हैं जर्मिनेशन में, जो मियोसिस के थ्रू रिडक्शन डिवीजन होता है। इसके साथ एक चीज़ और हम समझ लेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो जायगॉट में क्रिएट होता है, और जायगॉट जो है यंग एम्ब्रियो में क्रिएट होता है, और जो यंग एम्ब्रियो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रहता है ताकि वो वहाँ से नरिशमेंट ले सके, वहाँ से वो ग्रो हो सके। राइट, सो होप ये पूरा प्रोसीजर जो है आपको टेरिडोफाइट से रिलेटेड समझ में आ गया है। इसके साथ एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेलिग्निला जो है हेट्रोस्पोरस का एग्जाम्पल है। सो यहाँ से एग्जाम्पल्स और पूरी साइकिल मैंने आपको यहाँ से समझा दी है। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम अच्छे से जिम्नोस्पर्म्स को डिस्कस